सब्सक्राइब कीजिए बिंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए फिजिक्स को आसान तरीके से सीखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग फिजिक्स पर जबरदस्त स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही खुश और एक्साइटेड हूं क्योंकि आज ना फिजिक्स का पेपर था, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की। तो आज जो फिजिक्स की पेपर हुई है जबरदस्त, जो भी स्टूडेंट्स मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मेरे डायरेक्ट क्लास से जुड़े हो, या फिर जो भी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल से मुझसे जुड़े हुए थे, कुछ टॉपिक्स मैंने उनको प्रोवाइड की थी गेसिंग से, तो वो सारे टॉपिक्स में ना बहुत सारे टॉपिक उनके एग्जाम में आए हैं। तो बच्चों का फीडबैक आना शुरू हुआ है, बच्चों ने कमेंट किया है, बच्चों ने बताया है कि सर जबरदस्त पेपर हमारा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये अभी वीडियो देख रहे होंगे, सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आई होप सो। और आप सभी फिजिक्स के अंदर बहुत ही जबरदस्त मार्क्स लेके भी आओगे, ये मुझे मेरा पूरा विश्वास है। आज इस वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं इस पेपर के बारे में। देखो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इस बार का पेपर नहीं टफ और नहीं इजी, मॉडरेट आया था। कई सारे बच्चे, कई सारे टीचर्स कहने लगे हैं कि भाई काफी टफ आया था, काफी, ऐसा नहीं, काफी टफ नहीं आया था, पेपर मॉडरेट आया था, राइट। तो जैसे मीटर ब्रिज आ गया है, साइक्लोटॉर्न आ गया आपका, पोलराइजेशन से न्यूमेरिकल आ गई, 5 मार्क्स में बात कर रहा हूं, डी सेक्शन में कई सारे क्वेश्चन जानी पहचानी और जो आपने कई बार की होगी, वैसे क्वेश्चंस, वैसे टॉपिक्स इस बार भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ऑप्शंस भी थे ज्यादा। लेकिन अब क्या है ना कि आपके पास, आपने फिजिक्स कर लिया, इंग्लिश कर लिया, अब आपके पास बचे हुए 3 पेपर है, केमिस्ट्री का, मैथ्स या बायो, और फिजिकल, या फिर जो भी आपकी वोकेशनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो, राइट। तो बाकी बात बच के तीनों जो आपकी पेपर है ना, उसमें आपको ऐसा परफॉर्म करना है, अगर आपका अच्छा गया है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं फिजिक्स वाले पेपर में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आने वाले पेपर्स को ना पूरी शिद्दत से, पूरे जोश से आपको करना है, क्योंकि अगर उन पेपर्स में आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए और इन जो आपके सब्जेक्ट्स हो गए हैं उसमें आपने पासिंग या उससे ज्यादा भी लाया, तो फिर एग्रीगेट परसेंट आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट पे फोकस, जो हो गया उसको फिलहाल तो भूल जाओ, राइट। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ये है मेरे पास फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ है, और ये मेरे पास सेट 3 है, मतलब सेट C कह सकते हो आप। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथों में आप देख रहे हो, सेक्शन ए में भी और है, जो कि पहली बार हुआ है, सेक्शन ए में और आया है, और का ऑप्शन पहले नहीं हुआ करता था, इस साल से सेक्शन ए में भी आप देख सकते हो और का ऑप्शन आ रहा है, सेक्शन ए में भी और का ऑप्शन आया है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, यानी ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में ये रहा, ग्रुप डी हमारा स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन जो है ग्रुप डी से, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी पोलराइजेशन से रिलेटेड, और उसी में एक न्यूमेरिकल ऐड करके पूछा हुआ है, बहुत ही आसान। पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ा होगा, मैलस लॉ और पोलराइजेशन का ब्रिविस्टर्स लॉ, और उसके इंटेंसिटी निकालने वाले और पोलराइजेशन एंगल निकालने वाले न्यूमेरिकल, तो उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल था ये, तो जिसमें वेवलेंथ वगैरह गिवन थी, तो वो आप कर सकते थे, राइट। सेकंड आपका है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, डिस्क्राइब ब्रीफली विद हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द मेथड ऑफ मेजरिंग इंटरनल रेसिस्टेंस। आप पता ही है आपको, मैंने पोटेंशियोमीटर करा रखा है अपने चैनल पे, उसमें मैंने 2 चीज बताया था, एक तो इंटरनल रेसिस्टेंस और एक ईएमएफ कंपेयर। तो पिछले साल ईएमएफ वाला आया था, तो इस साल इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया, तो ठीक आ जाएगा इसे। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप विद इन अ कॉइल ऑफ एंटर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रोटेटेड एट एन कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड। आपने ये फॉर्मूला जरूर सुना होगा, टॉर्क का, NIBA या NIω साइन थीटा वाला। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक टॉर्क का, वो पूछ दिया है कॉइल के कारण, और उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो ये 5 मार्क्स वाले की बात थी, 5 मार्क्स वाले तीनों क्वेश्चंस। उसके बाद अगर बात की जाए 3 मार्क्स की, क्वेश्चंस की, तो 3 मार्क्स में बोर पोस्टुलेट्स हाइड्रोजन एटम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड वाला आया हुआ है आपका क्वेश्चन, साइक्लोटॉर्न का क्वेश्चन आया है,
फिर गॉस का एप्लीकेशन आ गया है, शेल वाला थर्ड एप्लीकेशन। तो ये कैपेसिटर से भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल है। तो ये सेक्शन सी में मेन मेन क्वेश्चन है। अगर बात करें सेक्शन बी की, तो इसमें हाइट ऑफ एंटीना निकालने पे और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया है और वेवलेंथ देके काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने वाला ड्यूल नेचर से आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस ड्यूल नेचर से एक और क्वेश्चंस है। तो मोस्टली अगर इस पेपर की बात की जाए, तो इस पेपर के अंदर देखो इस साल ना ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स पे क्वेश्चन लिया है। इस सेशन पेपर की मैं बात कर रहा हूं जो मेरे हाथ में अभी है, क्योंकि मेरे पास सी पेपर है, यानी सी कोड वाला, कोड 3, सेट 3 कह सकते हो आप। तो ओवरऑल जो पेपर हुई है इतनी भी इजी नहीं थी कि आप बिल्कुल। और फिजिक्स का देखो, फिजिक्स का आपको पता है, फिजिक्स की क्वेश्चन पेपर ना कभी भी ऐसी नहीं होती है कि जो आप बिल्कुल मतलब डेफिनेशन टाइप की जो पढ़ के गए वही आपने लिख दिया। तो फिजिक्स का पेपर घुमा हुआ होता है, थोड़ा तो रोटेटेड आएगा ही, थोड़ा तो ट्विस्टेड आएगा ही, नहीं तो फिजिक्स क्या, राइट। तो मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो में बताया था हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, और उसमें सजेस्ट किया था आप सभी को, सारे अपने स्टूडेंट्स को, कि यू हैव टू अटेम्प्ट, यू हैवंट टू काउंट द मार्क्स। आपको ना कोशिश करनी, आपको अटेम्प्ट करना है। जिसने भी मुझे मैंने कुछ स्टूडेंट से डायरेक्ट भी बात की जो मेरे डायरेक्ट टच में रहते हैं, जिनका मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूं, तो उन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि उनको मैंने एक मेंटली प्रिपेयर इतना करा दिया था, सिलेबस तो नो डाउट अच्छा प्रिपेयर उनका था ही, प्लस मेंटली उनको मैंने इतना प्रिपेयर करा दिया था कि भाई तुम्हें ना कम से कम पहला जो मेन आपका नोटबुक है वो तो फिलअप करना ही है, साथ में सप्लीमेंट्री भी लेना। एक स्टूडेंट ने मेन पेपर प्लस 2 और सप्लीमेंट्री, 3 मतलब 4 पेपर उसने भरा है, यानी मेन पेपर के साथ 3 सप्लीमेंट्री। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केवल पेपर भरने से ही नंबर आता है, बट उसने अटेम्प्टेशन की है, उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसने सारे क्वेश्चंस को एलेबोरेट करके लिखा है, डायग्राम्स बनाए हैं, सारे कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, तो उसके अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही जबरदस्त होती है। तो ये था पेपर का डिस्कशन। इससे हमने 3 बातें निचोड़ निकाली है, 3 बात कंक्लूजन करी है। पहला कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है सारा, उनका अच्छा नंबर आएगा, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा, फिजिक्स का पेपर थोड़ा ट्विस्टेड आता है, तो कोई ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा टफ था, तो आई डोंट माइंड इट, मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि मीडियम पेपर था, राइट। और तीसरा और अंतिम पॉइंट ये है कि आप इन जो पेपर आपका बीत गया उसके बारे में सोचना बंद करो, और अब स्टार्ट हो जाओ अपने अपकमिंग पेपर केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स बायो के लिए, या जो भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट है। मेरी गुड विशेस, मेरे पूरे टीम की गुड विशेस आपके साथ हैं, और चैनल को जिस तरह से व्यूज मिल रही है, जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से बच्चे उसे लाइक कर रहे हैं, जिस तरह से पर्सनली बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उससे मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। बहुत ही जल्दी मेन कोर्स की वीडियोस क्लास 11th और 12th की बिल्कुल मतलब जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होता है वैसे टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूं विथ न्यूमेरिकल। तो डोंट वरी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर मूविंग इन क्लास 12 एंड दोज हु इज गोइंग टू क्रैक नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आपके साथ पूरी बीइंग फिजिक्स की टीम है। आने वाले सेशन में, यानी इस साल, हम बहुत कुछ आपको स्पेशल भी देने वाले हैं। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, सबको सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, इस पर कोई बनावटी बातें नहीं, जो बातें हैं बस कर लेनी है आपसे, और हमें मिल करके बीइंग फिजिक्स कि एक जैसे बीइंग ह्यूमन होता है ना, बीइंग ह्यूमन, उसी तरह बीइंग फिजिक्स का एक पूरा ऐसा डेवलपमेंट करना है कि हर लोग फिजिक्स का जो हौगा बना के जीते हैं, या जो भी टीचर या स्टूडेंट ये समझाते हैं कि फिजिक्स बहुत ही टफ है, तो ऐसा नहीं सोचना है। फिजिक्स को हमने उनके लिए बहुत ही आसान और ईजी बनाने की कोशिश करते रहनी है। थैंक्स टू यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग बीइंग फिजिक्स।